आओ युग के सपनों को साकार करें हम, मृतकों में भी जीवन की हुंकार भरें हम। सबल भुजाओं में रक्षित है नौका की पतवार, चीर चले सागर की छाती पार करें मजदार। जान केतु लेकर निकला है विजयी शंकर, अब न चलेगा ढोंग दंभ मिथ्या आडंबर, अब न चलेगा राष्ट्र प्रेम का गर्हित सौदा, या अभिनव तारक न फलने देगा विष का पौधा। वाजपेयी का सपना मोदी ने किया साकार। नए भारत के निर्माण की सबसे बड़ी शपथ। राष्ट्रवाद का अटल पथ। जो सपने अटल ने देखे उसे एक एक कर पूरा कर रहे हैं मोदी। जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान की शपथ के साथ राष्ट्रवाद के अटल पथ पर आगे बढ़ रहे हैं मोदी। सालों से जो काम अटके पड़े रहे, जो योजनाएं दशकों तक अटकी रही, अब एक एक कर उसे पूरा कर रहे हैं मोदी। हिमालय से लेकर कंचनजंगा तक, सिंधु से लेकर गंगा तक, नर्मदा से लेकर गोदावरी तक और कृष्णा से लेकर कावेरी तक, विशाल भारत के अलग अलग हिस्सों में विकास और विश्वास की नई बयार बहा रहे हैं मोदी। अटल का राष्ट्रवाद था देश के हर हिस्से का विकास, देश के हर समाज का विकास। मोदी ने इस काम को मिशन मोड में आगे बढ़ाया है। अटल जी कहते थे कि हर पीढ़ी के भारत के प्रति, भारत की प्रगति में योगदान का मूल्यांकन दो बातों के आधार पर होगा। उन दो में पहला है, हमें जो विरासत में मिली कितनी समस्याओं को हमने सुलझाया है, ये पहला मानदंड है। विरासत में समस्याएं आई हैं, आती हैं, लेकिन हमने जो विरासत में मिली वो कितनी समस्याओं को सुलझाया है। और दूसरा, राष्ट्र के भावी विकास के लिए हमने अपने खुद के प्रयासों से, इनिशिएटिव से कितनी मजबूत नींव रखी है। वाजपेयी सरकार ने देश में हाईवे का जाल बिछाकर देश की तस्वीर बदलने की शुरुआत की थी। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के जरिए देश के हर हिस्से को आपस में जोड़ने के लिए राजमार्गों का जो जाल बिछाया गया था, अब वो पूरे हिंदुस्तान को एक सूत्र में बांधने का सेतु बन चुका है। मोदी ने कनेक्ट इंडिया के जरिए इस काम को मिशन मोड में कई गुना आगे बढ़ाया। यूपीए सरकार के दौरान सालाना 4 से 5 हजार किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण हो रहा था, तो मोदी सरकार में इसकी रफ्तार दोगुनी हो गई। ये 10 हजार किलोमीटर सालाना से भी ऊपर पहुंच गई। रोड बनाने की रफ्तार हर दिन 30 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है। ये अपने आप में रिकॉर्ड है। कर्तव्य की भावना बहुत ही व्यापक है साथियों, ये भावना नागरिकों के साथ साथ सरकार के लिए, सरकार के हर तंत्र के लिए भी उतनी ही जरूरी है। तंत्र के लिए भी उतनी ही जरूरी है। सरकार का दायित्व है, यह है कि वो 5 साल के लिए नहीं बल्कि 5 पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए
अपना काम करने की आदत बनाएं। आप ये तस्वीर देखिए, तस्वीर हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच बन रही मनाली लेह रोड टनल की है। 4,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस सुरंग का 80% से ज्यादा निर्माण पूरा हो चुका है। अगले वर्ष इसके उद्घाटन की उम्मीद है। 8.8 किलोमीटर लंबी ये टनल 3,000 मीटर की ऊंचाई पर बनी है। इतनी ऊंचाई पर बनी दुनिया की ये पहली सबसे लंबी सुरंग होगी। -20 डिग्री सेल्सियस में सुरंग पर कोई असर नहीं होगा। 11 से ज्यादा आधुनिक सुविधाओं से लैस इस सुरंग से मनाली और लेह के बीच की 45 किलोमीटर दूरी कम हो जाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 1998 में इस सुरंग के निर्माण को अपने एजेंडे में शामिल किया था। 3 जून 2000 को वाजपेयी सरकार ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की घोषणा की थी। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद इस पर तेजी से काम हुआ और अब इसके पूरे होने में कुछ ही महीने की देरी है। रोहतांग टनल के नाम से जानी जाने वाली इस सुरंग को अब अटल टनल का नाम दिया गया है। पीएम मोदी ने इस परियोजना को अटल जी को समर्पित किया है। हिमाचल के प्रति उनके लगाव और अटल जी के प्रति आप सभी के आदर और असीम प्यार का भी प्रतीक है। उन दिनों मैं संगठन का काम करता था, हिमाचल में रहा करता था और ये जो सारा मंथन चला था इस कार्यक्रम का, इस योजना का, तो मुझे भी बड़ी नजदीक से, बड़ी बारीकी से इन चीजों को सुनने का, समझने का मौका मिला था। तब कभी सोचा भी नहीं था कि आज मुझे अटल जी के उस सपने को अटल जी के नाम से जोड़ने का आज सौभाग्य मिलेगा। अटल बिहारी वाजपेयी का मनाली से खास लगाव था। ज्यादातर छुट्टियां वे मनाली में ही बिताना पसंद करते थे। यहाँ अटल जी ने कई यादगार कविताएं लिखी। वो जब भी मनाली आते थे यहाँ प्रकृति की गोद में बैठकर कविताओं को लिखने में डूब जाया करते थे। तन की शक्ति, हृदय की श्रद्धा, आत्म तेज की धारा, आज जगेगा जग जलने का सोया भाग्य सितारा, कोट पुष्प चढ़ रहे देव के शोर, सब शुभ चरणों पर कोट चरण पड़ रहे थे की ओर निरंतर। अटल जी मनाली और आसपास के तमाम इलाकों के लोगों की मुश्किलें समझते थे। इसे उन्होंने करीब से देखा था, इसीलिए पहाड़ी राज्यों के विकास के लिए उन्होंने कई बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत की। हिमाचल में लाहौल स्पीति सुरंग सहित कई परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, बाकी धीरे धीरे पूरी हो रही हैं। अटल ने जो सपने देखे मोदी ने उसे पूरा करने के लिए जी जान लगा दिया। अब ये तस्वीर देखिए, ये जम्मू कश्मीर का चेनाब ब्रिज है। ये वाजपेयी का सपना था। 2004 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी ने पुल की नींव रखी थी। ये पुल जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चेनाब नदी पर बन रहा है। बक्कल और कौरी को जोड़ने वाला ये पुल 1315 मीटर लंबा है। इस पुल की ऊंचाई 359 मीटर की है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल है। चेनाब ब्रिज की ऊंचाई एफिल टावर से भी ज्यादा है। फ्रांस के एफिल टावर से ये 35 मीटर ऊंचा है। अभी फ्रांस की तरन नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है। चेनाब ब्रिज के पूरा होने पर यह रिकॉर्ड इसके नाम दर्ज होगा। दुनिया में ये पुल इंजीनियरिंग के नायाब उदाहरणों में एक है। ये -20 डिग्री सेल्सियस में भी ऑपरेशनल रहेगा। अटल जी के सपनों के चेनाब ब्रिज का 83% काम पूरा हो चुका है। मार्च 2021 तक इसे पूरा करने की नई डेडलाइन रखी गई है।
12,000 करोड़ की लागत से ये पुल उधमपुर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत बन रहा है। ये भूकंप के साथ ही बड़े आतंकी हमले झेलने में भी सक्षम है। रेलवे के साथ ही DRDO ने इस पर काफी काम किया है। इसे 63 मिलीमीटर मोटे स्पेशल ब्लास्ट प्रूफ स्टील से बनाया गया है, जिससे ये विस्फोटकों के हमले झेल सकता है। वाजपेयी ने कश्मीर से कन्याकुमारी को आपस में 24 घंटे चालू रहने वाली सड़कों से जोड़ने का सपना देखा था। इसे बहुत हद तक पूरा भी किया, लेकिन सपना कहीं इससे बड़ा था। वाजपेयी चाहते थे कि पूरा देश रोड, रेल और हवाई नेटवर्क के जरिए एक सूत्र में बंधे। एक छोर से दूसरे छोर की दूरी कुछ दिन की नहीं, सिर्फ कुछ घंटों की रही। वाजपेयी का सबसे ज्यादा जोर उन राज्यों में कनेक्टिविटी को मजबूत करने का था, जो देश की मुख्य धारा से पहले लगभग कटे हुए रहते थे। वजह थी सड़कों की खस्ता हालत, पुलों की कमी या फिर रोड और हाईवे की गैर मौजूदगी। यही वजह थी कि वाजपेयी ने उत्तर पूर्व में विकास के बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए। जो प्रोजेक्ट दशकों से अटके पड़े थे, उसे हरी झंडी दिखाई। वाजपेयी ने अपने कार्यकाल के दौरान इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। सरकार बदलने की वजह से सालों तक कई प्रोजेक्ट का काम अटका रहा, लेकिन मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही इसे तेज किया। विकास के आयाम, उसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि सभी उससे अच्छी तरह परिचित हैं, और जो सोचते थे कि इन चिंताओं का समाधान होना चाहिए, इन समस्याओं का समाधान होना चाहिए, उन समस्याओं को आजाद भारत के रूप में, आजाद भारत में यदि चुनौती के रूप में स्वीकार किया है, तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने स्वीकार किया। ये तस्वीर असम के तिनसुकिया में बने ढोली सादिया पुल की है। 9 किलोमीटर लंबे इस पुल को मई 2017 में पीएम मोदी ने देश को समर्पित किया। इसके साथ ही अटल का सपना पूरा हुआ। ढोला सादिया पुल लोहित नदी के ऊपर बना है। ये असम के सादिया को अरुणाचल प्रदेश के ढोला से जोड़ता है। इस पुल के बन जाने से असम और अरुणाचल के इस इलाके की दूरी 165 किलोमीटर कम हो गई। 4 घंटे का वक्त बच गया। देश के सुरक्षा में अब इस पुल की बड़ी भूमिका है। इसके जरिए बैटल टैंकों को भी ले जाया जा सकता है, जिससे युद्ध के हालात में पूर्वोत्तर की सीमा तक टैंकों और बाकी साजो सामान के पहुंचने में कम वक्त लगेगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने पूर्वोत्तर के विकास के लिए कई सपने देखे थे। इसमें एक सपना असम और अरुणाचल के बीच एक और पुल बोगी बिल ब्रिज के निर्माण का भी था। 4 किलोमीटर 940 मीटर लंबा ये पुल पूरा हो चुका है। मोदी ने पिछले साल इसे देश को समर्पित किया था। एशिया का ये दूसरा सबसे बड़ा पुल है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। ये पुल असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ता है। ये भारत का सबसे लंबा रेल और सड़क पुल है। 1962 युद्ध के बाद ही इस पुल के निर्माण की मांग उठी थी। बोगी बिल पुल परियोजना 1985 में हुए असम समझौते की शर्तों का एक हिस्सा भी था, लेकिन इस पर सालों तक काम शुरू नहीं हुआ। लेकिन वाजपेयी सरकार की मुहर के बाद मोदी सरकार ने इस पर तेजी से काम किया। इसका ही नतीजा है कि अब पूर्वोत्तर का आपस में संपर्क कई गुना मजबूत हो चुका है। पूर्वोत्तर अब पूरी तरह देश की मुख्य धारा से जुड़ चुका है। अटल के बड़े सपनों को मोदी ने पूरा कर दिया है, और अब उत्तर पूर्व में सड़कों और रेल का जाल बिछाकर मोदी सरकार पूर्वोत्तर की तस्वीर बदलने में जुटी है। जहां जरूरी हो वहां रेल पहुंचाओ, मुश्किलें हजार हों तो राह बनाओ, आफत ही आफत आए फिर भी कदम बढ़ाओ, और लिख दो विकास की वो इबारत जिसके इंतजार में पीढ़ियां खप गईं, आंखें उम्मीद की नजर से बस राह तकती रह गई। ये विकास का वो अटल पथ है जो एक के बाद एक नए इलाके तक पहुंच बना रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गांधीनगर से लेकर ईटानगर तक हर रोज नए हिंदुस्तान की नई रोशनी पहुंच रही है। भला किसने सोचा था कि शहर शहर से हवाई सेवा की शुरुआत होगी। एक के बाद एक देश में 100 से भी ज्यादा हवाई अड्डे मध्यम वर्ग की उम्मीदों का केंद्र बनेंगे।
आम आदमी भी उड़ान भरेगा, अपने सपनों को पूरा करेगा। लेकिन अब ये एक हकीकत है, देश में 12 एयरलाइंस कंपनियां घरेलू सेवाएं दे रही हैं। सिर्फ नवंबर महीने में ही 1,16,00,000 लोगों ने हवाई यात्रा की। ये नए हिंदुस्तान की वो नई चमक है जो ये बताने को काफी है कि आने वाले दिनों में तस्वीर कैसी होगी। एक तरफ हवाई अड्डों का जाल बिछता जा रहा है तो दूसरी तरफ शहर दर शहर मेट्रो सेवाओं की शुरुआत होती जा रही है। अटल बिहारी वाजपेयी के बड़े सपनों में ये एक था। दिल्ली मेट्रो की शुरुआत वाजपेयी के समय में ही हुई थी। तब से अब तक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई सहित कुल 13 शहरों में मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत हो चुकी है, तो वहीं 2024 तक 10 और शहरों में मेट्रो रेल की सर्विस शुरू हो जाएगी। मोदी सरकार इसको लेकर तमाम राज्यों की पूरी मदद कर रही है, लगातार इन प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग की जा रही है। मेट्रो के आने के बाद देश के छोटे छोटे शहरों में विकास को पंख लग रहे हैं। अगले दौर में देश के 16 दूसरे शहरों में भी मेट्रो पर काम शुरू हो जाएगा। कहीं सर्वे हो रहे हैं तो कहीं का काम आगे बढ़ चुका है, इनमें असम का गुवाहाटी भी है। इससे समझा जा सकता है कि आने वाले भारत की तस्वीर कैसी होगी। वाजपेयी का एक बड़ा सपना फोन कनेक्टिविटी का भी था, जिस क्षेत्र में अब भारत इतिहास रच चुका है। वाजपेयी के समय में मोबाइल क्रांति का दायरा तेजी से बढ़ने लगा था और अब भारत इस सेक्टर में दुनिया के अगुआ देशों में शुमार है। मोदी ने वाजपेयी के घर घर टेलीकॉम कनेक्टिविटी पहुंचाने के सपने को पूरा करने का बड़ा काम किया। मोदी सरकार के आने के बाद इसमें तेजी से इजाफा हुआ। 2014 में जहां हिंदुस्तान में 58 करोड़ मोबाइल फोन यूजर्स थे, तो अब इनकी तादाद 81 करोड़ के ऊपर जा पहुंची है और जल्द ही आंकड़ा 1 अरब के पार भी जाने वाला है। 130 करोड़ के देश में ये तादाद एक क्रांति का सबब है। हिंदुस्तान में प्रति व्यक्ति डेटा की खपत में भी लगातार वृद्धि हो रही है। 2016 में भारत में प्रति व्यक्ति डेटा की खपत 0.88 GB के करीब थी, जो 2018 तक हर साल 8.7 GB तक पहुंच गई। 2023 तक भारत वीडियो कंटेंट देखने वालों का दूसरा सबसे बड़ा बाजार होगा। 4 साल बाद यहां वीडियो कंटेंट उपभोक्ताओं की तादाद 50 करोड़ तक पहुंच जाएगी। नए हिंदुस्तान की इस नई सूचना क्रांति से भविष्य बिल्कुल अलग होगा। वाजपेयी का बड़ा सपना सबकी रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत को पूरा करने का था। इसको लेकर भी मोदी सरकार ने अहम काम किया है। 2022 तक हर बेघर को अपना घर देने का संकल्प लेकर सरकार ने तय लक्ष्य को हासिल करने की तरफ तेजी से कदम बढ़ाए हैं। बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा भी वाजपेयी के राष्ट्रवादी विकास पथ के मील के पत्थरों में थी। मोदी भी इसी राह पर आगे बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना इसका सबूत है। सरकार की पूरी कोशिश देश भर में मेडिकल सेवाओं को हर आम आदमी तक पहुंचाने की है। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको, उसकी टोटल जो जनसंख्या है उससे ज्यादा भारत में आयुष्मान के लाभार्थियों की सूची है। और इतने कम समय में 70,00,000 लोगों ने इसका लाभ लिया है। और ये वो लोग हैं, सब कुछ आशा छोड़ चुके थे, एक आयुष्मान भारत योजना आने के बाद उनको एक नई जिंदगी, नया विश्वास, नया उत्साह मिल गया और 1 रुपये के खर्च के बिना 70,00,000 लोगों का उपचार हो गया। वाजपेयी का सपना एक ऐसे भारत के निर्माण का था जहां विकास समाज के सबसे निचले तबके तक सबसे पहले पहुंचे। इस मकसद के लिए मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना के साथ ही घर घर बिजली के लिए सौभाग्य योजना की शुरुआत की, जिसने अब इतिहास रच दिया है। सारी चिंताओं का निराकरण वो करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारा भारत तेजी के साथ आगे बढ़े। अटल जी, सर्वधर्म संभाव, इस सनातन भावना में बराबर आस्था रखते, सर्वधर्म संभाव। और हमारे प्रधानमंत्री की भी इसी सनातन भावना, सर्वधर्म संभाव में पूरी आस्था रखते। ये राष्ट्रवाद का वो अटल पथ है जो अब नई उम्मीदों से रोशन है। नए भारत का हर सपना पूरा करने में मोदी अटल की राह पर आगे बढ़ रहे हैं और लोगों का भरोसा जीत रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।